आदाब, आपने मुझसे पूछा था कि आप बस खुश क्यों हैं। खुश इसलिए क्योंकि कॉमेडी शो है एंड कॉमेडी शो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, और जितनी भी कॉमेडी हो बेटर दुनिया के लिए एक्चुअली। कॉमेडी से कोई मरा नहीं, कॉमेडी ने किसको मारा नहीं है, तो इसलिए कॉमेडी करते रहना हमारा फर्ज है और आप लोगों के ऊपर ये हमारा कर्ज है। यस एक्चुअली अंदर काफ़ी अच्छी रिएक्शन मिले लोकली की, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉमेडी शोज होने चाहिए एंड अंदर से रिएक्शन थे कि मुझे ऐसा लगा कि लोग और 5-6 और शोज दिखा सकते हैं। ये इस सवाल से एक्चुअली मैं कुछ डिप्लोमेटिक जवाब भी दे सकता हूँ, क्योंकि हर एक शो में अपने एक आइडेंटिटी होता है। ये मैं मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता जब कहते हैं इट्स वेरी डिफरेंट, बोल के फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शो बना हुआ है इसमें एक मिक्सचर है, एक अच्छा मिक्सचर है, बहुत अच्छा मिक्सचर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसे पसंद करेंगे, खासतौर से सब टीवी ऑडियंस इसे बेहद पसंद करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन यही था कि काम कर रहा हूँ, बिजी हो जाऊँगा फिर से, और मेरे डेट्स कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा, सबसे पहला वही टेंशन होता है, क्योंकि एक करियर में एक ऐसे मोड पर पहुँच गया जहाँ पे डेट्स खुद के लिए निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन जब सबकी कॉन्टिलो कॉम्बिनेशन फिर से बात हुई तो मैं बहुत खुश हुआ और गौरव गिरा, और इन सबके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, और अरुण जी के साथ भी, अरुण जी मुझे बुला रहे हैं वहाँ फोटो आपके लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कोई शो को आप कॉम्पिटिशन मानते हैं? मैं आज तक मेरे 22 साल के करियर में किसी दूसरे कॉमेडियन को कॉम्पिटिशन नहीं माना, क्योंकि हर कॉमेडियन का ही मकसद है कि लोगों को हंसाना, बस जैसे कि मैंने कहा कि हम हंसी की गोलियाँ मारते हैं। अलग तरह का शो है, इसमें गैस है, इसमें स्टैंड अप है, दोनों का मसाला है, और हम ही कुछ 6-7 लोग हैं जो अलग अलग कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कुछ अलग देखने को मिलेगा, उसमें बहुत अच्छी है, और 1 घंटे का टाइम स्लॉट है तो काफ़ी अच्छा रहता है ऑडियंस के लिए समझना, देखना, कोई तो ज़्यादा ब्रेक नहीं होते, तो मुझे लग रहा बहुत अच्छा है शो बना। एक्चुअली हम लोगों ने पहले भी इकट्ठे काम किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि वही पुराना गैंग, वही प्रोडक्शन हाउस दोबारा सबको लेके आया है, तो कंफर्टेबल फैक्टर है, हम लोग काफ़ी दूसरा मिले हुए हैं, कोई नया ऐसा नहीं है कि कोई नया है, एंड हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है ड्यूरिंग द गैग, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा गैग है मैं परफॉर्म करूँगा, बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपके से। देखिए, एक तो कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चों से लेकर बूढ़े, कोई भी एज ग्रुप हो, वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि जो गैग्स हैं वो आम जिंदगी को लेके हैं, जो आजकल जो चीज़ें करंट चीज़ें हो रही है उसको लेके हैं, तो हर कोई रिलेट कर पाएगा। आई मीन, हो सकता है अगले गैग में मैं रिपोर्टर हूँ, है ना, तो यू नेवर नो, आई मीन जिस तरह से स्क्रिप्ट आती हैं तो सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म करने को मिलते हैं। देखिए, कभी रिपोर्टर बनते हैं, कभी बीच में भी 90 साल का आदमी का रोल मिला था करने को, तो वैसे तो हूँ, लेकिन इतना अच्छा लगा 90 ईयर्स के अंकल जी का रोल करने में, तो वो चैलेंज होता है हर बार, एक एक्टर को यही होता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स मिले, तो वो करते हैं, जो कि नॉर्मल शो में इतना आसान नहीं है मिलने कैरेक्टर, एक मिला है वही 3-3 साल खींचा रहता है, बढ़िया एक दिन में 7 से 10 कैरेक्टर्स मिलते हैं परफॉर्म करने को, आई थिंक दैट्स अ ट्रीट फॉर एन एक्टर। सारे जितने भी शोज हैं उनका एक अलग चार्म है, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो कॉम्पिटिशन है ना, क्योंकि सब कलेक्टिव शोज मिल के ही सबको बनाते हैं, तो इसलिए इस शो की अपनी आइडेंटिटी होती है, नो कॉम्पिटिशन, समझ नहीं होता। थैंक यू।